हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी को डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियस है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट, दो न्यूक्लियर पार्ट में, ठीक है। विच हैव देयर वेलोसिटी इन द रेशियो 2:1। वेलोसिटी किस में दिया है? 2:1 में दिया है। तो रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज हमसे पूछा है। तो देखिए, जब भी कोई चीज अपने आप से टूटता है तो वहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। यानी नेट फोर्स वहां पे क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पर लगा सकते हैं m1v1 = m2v2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m1 / m2 = v2/v1, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, v2 को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और हमें पता है जो वॉल्यूम होता है, यानी यहां पे जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग स्फीयर मान लेते हैं, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस का। तो अब वॉल्यूम क्या, एम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा वॉल्यूम के, ठीक। और वॉल्यूम होता है किसके? रेडियस के r³ के प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा यहां पे, इसको हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, ये हो जाएगा r³। तो मास के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m1/m2 हो जाएगा मेरा r1/r²³। मास हमें कितना दिया हुआ है? m1/m2 का रेशियो में दिया है 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा r1/r², ठीक है। तो यहां पे 3 है तो ये इधर चला जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी हमें दी हुई है 5 MeV, यानी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी हमें कितना दिया है? 5 MeV इज स्कैटर्ड थ्रू अ 180° बाय फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द ऑर्डर। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो कल टू होता है, अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2kZe²/d, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कब? जब हम लोग अल्फा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है, ठीक। अब हमसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए सबसे पहले जो जो चीज वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 5 MeV दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक। ये हो जाएगा 2, और ये के की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना? ये के होता है 1/4 πε₀, तो के को लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ठीक। और फिर उसके बाद से जो एटॉमिक नंबर यहां पे जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यूरेनियम, यूरेनियम दिया ना, तो ये हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? 92, ठीक है। और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ ई की वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक। और डी क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आएगा वो आ जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ, इसको जब सॉल्व करने पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा वो आ जाएगा आपका 10⁻¹², ठीक है। ये वाला आंसर होगा, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा, यहां से डी की वैल्यू निकालिएगा, वही आएगा 10⁻¹² के आसपास, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक स्टार है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है हीलियम, ऑल हीलियम, जो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रहा है कि ऑल हीलियम इन इट्स कोर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो चार हीलियम के न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ऑक्सीजन में। देन रिलीज एनर्जी पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई एज। तो हमें एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 हीलियम न्यूक्लियाई जो होंगे वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाई देंगे, 1
ऑक्सीजन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 है, ये हीलियम हो गया, और ये हमें क्या देगा, एक ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पे कितना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। ठीक, और डेल्टा एम कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एम निकालेंगे यहां पे, ये हो जाएगा मेरा, ये इसका हम लोग ले लेते हैं कितना, 4 टाइम्स है तो 4, और ये किसका, मास ऑफ हीलियम माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ हीलियम कितना दिया है, 4.0026 माइनस, और ऑक्सीजन का मास कितना दिया है, 15.994। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, तो ये आएगा मेरा 0.0, इसको सॉल्व करने के बाद 0.011 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी जो रिलीज हुआ उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931। ठीक है, और ये किस में आता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां पे डेल्टा एम की वैल्यू लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 0.011, ये कितना हो जाएगा 931। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आंसर यहां पे पुट करने पे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही आएगा 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे क्या राइट द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस, ये हमें दिया हुआ है, आर रिस्पेक्टली ए बी सी, बाइंडिंग एनर्जी हमें दिया हुआ है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो जो एनर्जी रिलीज होगा ना, वो हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो एनर्जी जो रिलीज होगा, जो फाइनल है, कितना है सी, यानी हीलियम का, तो ये कितना हो जाएगा सी माइनस, और ये हमारा इसका कितना दिया, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का हो जाएगा ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एज। देखिए, ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा होता है किससे, प्रोडक्ट से, तो ये हमेशा रेशियो क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक, तो नीचे वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, ऊपर वाला कम है, तो ये लेस देन वन आएगा। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन देम। कह रहा है फ्यूजन जो होता है वो आपका पॉसिबल है, तो ये मेरा इसका ग्राफ होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और ये ए के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ये आपका, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिक्रीजेज होता है मास नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वो जब जब हाई मास नंबर होगा तो वहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई यहीं पे पॉसिबल होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, देन द मोर स्टेबल ऑफ द टू। अच्छा, इन दोनों में बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम लोग अगर निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया हुआ है, किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए अगर हम देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी हमें दिया 1.125, और न्यूक्लियॉन अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी, और ये हो गया न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब क्या, ए। तो यहां पे हो जाएगा कितना, 7.2 अपॉन अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, तो ये अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जिसकी वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा, कौन होगा, बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बी वाला आंसर ज्यादा, मतलब बी वाला आंसर आएगा जो स्टेबल होगा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन, एनर्जी कितनी दी हुई है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड इफ द पावर ऑफ आउटपुट ऑफ एटॉमिक रिएक्टर इज 1.6 मेगावाट, देन द रेट ऑफ फ्यूजन, रेट ऑफ फ्यूजन जो होता है आर, आर होता है मेरा पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1.6 मेगावाट में दिया हुआ है, तो 10^6 हो जाएगा। ठीक, और एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 10^6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-19। तो यहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 10^16, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, The binding energy of deuteron is, binding energy हमें दिया हुआ है deuteron का कितना, 2.2 mega electron volt, and that of helium is 28 mega electron volt. If two deuteron are fused to form one helium, then the energy release. अच्छा, कह रहा है कि दो deuteron को मिला के एक helium बना रहे हैं तो कितना energy release होगा। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2H1+2H1, और इसको मिला के हमको क्या बनाना है, helium बनाना है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, अब एनर्जी जो रिलीज होगी उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा एनर्जी रिलीज्ड, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना कितना एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी मेरा दिया हुआ है यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का हमें दिया हुआ है कितना, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया हुआ है किसका, ड्यूट्रॉन का, और इसका कितना दिया है 28, तो इसको लिखेंगे 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 माइनस, और यहां पे दो हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 × 2, और इसका कितना दिया है बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन का, 2.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 − 4.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28 − 4.4 ये हो जाएगा 23.6, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, कितना एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस में। ठीक है, तो प्रोसेस हमें दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पे हम लोग डेल्टा एम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एम निकालने के लिए सबसे पहले तो डेल्टा एम मेरा कितना होगा, डेल्टा एम हो जाएगा मेरा किसका, ये यहां पे दिया हुआ है 3 हीलियम है, तो ये हो जाएगा 3 × और ये हो जाएगा 4.002604, और यहां पे कार्बन का एएमयू एटॉमिक मास यूनिट ये हो जाएगा मेरा 12। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा मेरा 7.812 × 10^-3, ये आ जाएगा 10^-3। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरा डेल्टा एम, हमें कितना एनर्जी निकालना है, कितना रिलीज हुआ, तो डेल्टा एम इंटू 931। ठीक, और ये किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेल्टा एम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना आया एएमयू में, तो ये हो जाएगा 7.812 × 10^-3 × 931। ठीक,
इसको सॉल्व करेंगे 7.8, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.812 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 931, तो ये जो आएगा आंसर ये आएगा ए 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर। ठीक है, बम्बार्ड अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेडी। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 जेड ई स्क्वायर इंटू के अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो डी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम यहां पे देखें तो ये डी इधर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इधर, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, डी 1/m के इनवर्सली, ये ऐसे हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये कितना हो गया 1/m। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, पी को हम लोग ये यहां पे मान सकते हैं 1H। ठीक है, ये दिया हुआ है कंडीशन, तो हमें एनर्जी रिलीज बताना है। ठीक, तो सबसे पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एम कितना आएगा, डेल्टा एम अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा एम मास ऑफ मास इनिशियल मास यानी रिएक्टेंट का मास, और उसमें से किसको घटा देंगे, प्रोडक्ट वाले को। ठीक है, फाइनल, तो इनिशियल मास, इनिशियल मास मेरा कितना होगा। ठीक है, तो लिथियम लिथियम का ये और ये इसका, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं 7 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.023829 माइनस फाइनल, फाइनल वाला कौन सा है, हीलियम वाला। ठीक है, दो है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, और यहां पे हीलियम का कितना दिया है 4.002603। ठीक है, अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08623 यू, तो ये डेल्टा एम आ गया। ठीक, अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही डेल्टा एम और ये 931, ये आपको लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931, और ये क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो डेल्टा एम यहां पे पुट कर देते हैं 0.08623 इंटू 931, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.35, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पे जो वॉल्यूम होता है, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे मास जो होता है, मास जो होता है अभी हम लोग देखे थे आर के क्या होता है, क्यूब, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अभी देखे थे रेडियस वाला जो था वो मास नंबर क्या था, या मास ए के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहां पे देखिए वॉल्यूम ये हम लिख सकते हैं भी किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, तो ये किसके हो जाएगा ए के, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एमओ इज द मास ऑफ द ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप, एमपी एंड एमएन आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा एम यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कितना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, हमें लिखना है, तो इसको हम लोग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, और डेल्टा एम यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल वाला क्या था, इनिशियल क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8 MP माइनस, ये हो जाएगा मेरा 8 MP, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 9 17 - 8 9 हो गया, तो 9 MN, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा एमओ, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो यही वाला होगा, बस इसमें क्या है नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। तो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, तो जो रेडियस होता है वो क्या होता है, मास नंबर के 1/3 होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं R1/R2, ठीक, इसको लिख सकते हैं A1/A2 और 1/3। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, रेडियाई का। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है, 216, और ये कितना हो जाएगा, 125, ठीक, ये हो जाएगा 1/3। इसको कुछ नहीं करना है, ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब है, और ये कितने का, 5 का क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 6/5, ठीक है, या 6:5, आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मासेस ऑफ लिथियम, लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 U लेस देन, अच्छा डेल्टा एम हमें दिया हुआ है, डेल्टा एम हमें दिया हुआ कितना, 0.042, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, ठीक। तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931, ये किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा एम कितना दिया, 0.042 इंटू 931, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 39.102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होगा E अपॉन A होता है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो E अपॉन A, E कितना आया है, 39.102, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 5.6 के आसपास, ठीक है, तो यही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन यूरेनियम एटम इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.2 वाट ऑफ पावर, अच्छा यानी हमें यहां पे फिर से वही रेट ऑफ फ्यूजन निकालना है, तो रेट ऑफ फ्यूजन निकालने का फॉर्मूला होता है R अपॉन पावर अपॉन एनर्जी, ये रेट ऑफ फ्यूजन हो गया, पावर कितना दिया है 3.2, ठीक, तो 3.2 वाट हो गया, और एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मेगा को लिख सकते हैं 10^6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10^-19, ये जूल में आ जाएगा, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.2 × 10^-11, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.2, इसको सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 10^11 के आसपास, ठीक है, ये 19 वाला ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10^11, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द न्यूक्लियर फोर्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। उसके बाद से बोल रहा है ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, नहीं फॉलो करता है, इज इक्वल स्ट्रेंथ, इससे बहुत ज्यादा तगड़ा फोर्स होता है ये न्यूक्लियर फोर्स, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, हाँ ये सही है, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, द न्यूक्लियस हैज रेडियस 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ ऑस्मियम 189, ओएस 189, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं R′ / ROS, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, A′ / AOS, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3, ठीक। और हमें ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि न्यूक्लियस विच हैज रेडियस 1/3, यानी इसका जो न्यूक्लियस का, ये जो नया वाला न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना है, 1/3 है, किसके, ROS से, इसको लिख सकते हैं R′ / ROS को लिख सकते हैं 1/3,
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/3। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, ए डैश और ए ओ एस, कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है यहां पे, तो वो दिया है ये 189, तो इसको लिख लेंगे 189 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/27, 3 3 9 3 27, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा ए डैश अपॉन 189। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 189/27 ए डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 के आसपास, ठीक है, मास नंबर 7 कितना है, लिथियम, लिथियम का होगा 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन इज इतना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दिया हुआ है, मास डिफेक्ट इन एएमयू, मास डिफेक्ट हमें बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले ईबी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ई बाई ए होता है, इसको लिख सकते हैं ईबी इंटू ए इज इक्वल टू ई, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब यहां पर कितना दिया हुआ है, एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दिया 1.115 इंटू एटॉमिक मास नंबर कितना दिया हुआ है, अच्छा ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन को कितना लिखते हैं 2, ठीक है, ये हो जाएगा E, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है मेरा डेल्टा M इंटू 931, और ये किसमें आता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.115 इंटू 2 अपॉन 931, ये कितना हो जाएगा डेल्टा M, मास डिफेक्ट, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 को, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे सॉल्व करने के बाद, तो ये हो जाएगा मेरा 0.0024, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ये बाइंडिंग एनर्जी सबका दिया हुआ है पर न्यूक्लियन, लिथियम का, हीलियम का, न्यूक्लियाई आर इतना इतना इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा अच्छा इसका बाइंडिंग एनर्जी हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ क्यू रिलीज, यानी एनर्जी कितना रिलीज हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले सबका बाइंडिंग एनर्जी, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक, तो लिथियम के लिए, लिथियम के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मेरा, अभी हम लोग देखे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता है ई बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं ई बी इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी लिथियम का, तो यहां पर लिख सकते हैं कितना कितना दिया हुआ है 5.60, और ए की वैल्यू कितनी है 7, ये हो जाएगा ई, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लिथियम के लिए 39.20 के आसपास एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये तो मेरा हो गया क्या, ये तो हो गया रिएक्टेंट, और ये वाला क्या हो गया प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट वाला हो गया, ठीक। अब प्रोडक्ट का निकालते हैं एनर्जी, तो प्रोडक्ट का अगर हम लोग एनर्जी निकालते हैं हीलियम के लिए, ठीक, तो हीलियम का हो जाएगा मेरा जो एनर्जी हो जाएगी सीधे ए बी इंटू ए लगा सकते हैं, ई पी लिख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो ये ई बी कितना दिया हुआ है, ये दिया है 7.06, और इसका कितना है 4, और कितने हैं यहां पे 2, तो ये क्या हो जाएगा ई प्रोडक्ट, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4, और यहां पे एनर्जी जो दी हुई है हीलियम का, हीलियम का दिया हुआ है एनर्जी मेरा 7.06, ठीक है, 7.06 यहां से निकालेंगे तो ये मेरा एनर्जी जो आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 4, और ये 7.06, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.06 इंटू 4, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक, तो अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हो जाएगी मेरी 17.0,
पहुंच करना था। अबे खाली